इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एंड भी, मैं आपके साथ में। हर सत अपडेट की बात करें तो रतलाम में दवा कंपनी इक्का लेबोरेटरी के प्लांट में देर रात आग लग गई। घटना रात 1 बजे की है। कंपनी के IMD प्लांट में धमाके होने लगे और कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगी। इक्का की फायर फाइटिंग टीम को आग पर काबू पाने में आधे घंटे का समय लगा। हादसे के वक्त रात्रिकालीन शिफ्ट में सैकड़ों कर्मचारी प्लांट में काम कर रहे थे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्लांट में लगी आग की वजह से बड़ी मात्रा में सामान जलकर खाक हो गया। कंपनी प्रबंधक ने हादसे के बारे में फिलहाल कोई भी अधिकृत बयान जारी नहीं किया। कंपनी प्रबंधक ने हादसे के बारे में फिलहाल कोई भी अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। आग इतनी भीषण थी कि कंपनी से 3 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। बीच में धमाकों की आवाज भी आ रही थी। जानकारी के अनुसार यह अग्निकांड IBD 10 प्लांट में हुआ था, जिस पर फायर फाइटिंग टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों और घटना में हुए नुकसान के बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो सका। तो ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।